आपको गरीब का राज बनाना है, ये बेईमानों का सरकार उखाड़ के फेंकना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और अब सभी जितने नेता हैं वो चुनावी मोड में आ चुके हैं। 2 सीटें कहीं ना कहीं काफी अहमियत रखती हैं बिहार विधानसभा के गणित को बनाने में, बिगाड़ने में। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उतर चुके हैं चुनावी मैदान में और प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें निकल के आ रही हैं तारापुर से, जहां तारापुर कल देर रात को ही तेजस्वी यादव पहुंचे थे। आज सुबह से ही वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं उनसे मिलने के लिए। वो अपने प्रत्याशी अरुण कुमार के समर्थन में वोट मांग रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक थे तारापुर से मेवालाल चौधरी, उन्हें श्रद्धासुमन भी अर्पित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जनता से कि लालू प्रसाद यादव को और आरजेडी के हाथों को मजबूत करना है तो अरुण कुमार को ज़रूर जिताना है। अब देखना ये होगा कि एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी क्या एनडीए से लोहा ले पाएगी। क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं तारापुर में, जरा सुनिए। और जो समर्थन दिखाया है इसके प्रति आप सब लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो भूतपूर्व विधायक और जो मेवालाल चौधरी जी का जो कोरोना के चलते जो देहांत हुआ को लेकर के हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ आप सब लोगों से हम अपील करते हैं कि उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव, लगभग 4 साल कार्यकाल बाकी, यहां से हमारे प्रत्याशी आदरणीय लालू जी ने, जयप्रकाश जी ने लालटेन थमाने का काम किया है अरुण शाह जी के हाथों, और हम लोग सब लोगों को मिलकर के एक आदमी को छूटना नहीं है, इसमें सब लोग गोलबंद हो जाएंगे और लालटेन छाप पर बटन दबा करके अरुण शाह जी को विजय बनाइए और लालू जी के हाथ को मजबूत करने का काम। कुछ हम कहेंगे नहीं, सर्जे जी भी उम्मीदवार हो गए। आप बोले भाई सब लोग को एक होना है, हम लोग का दूसरा लड़ाई है, अब लड़ाई लड़ना है तो जब तक हम लोग गोलबंद नहीं होंगे तब तक लड़ाई जीतेंगे कैसे? बटिएगा लड़िएगा आपस में तो काम तो चलना नहीं है। अरे भाई कोनो मेरा आपका सवाल नहीं, ये सवाल बिहार के 12 करोड़ जनता का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है, बिहार के विकास का सवाल है। इसलिए आप सब लोग एक होइए और अपना नामांकन जो है वापस लीजिए, और इन्होंने इनको भी आभार प्रकट करते कि इन्होंने नामांकन जो है वापस लिया। और हमारे साथी जसीम, कहाँ जसीम जी? हाँ इधर है सर, इधर ये भी खड़े हो गए थे। भाई आप लोग सब लोग खड़े मत होइए, आपको गरीब का राज बनाना है, ये बेईमानों का सरकार उखाड़ के फेंकना है। जसीम साहब भी नमा कर वापस ले आपके, निहाल साहब है रफीगंज के विधायक है, सब लोग हम लोग जो है आए हुए, जयप्रकाश जी साथ में है, सब लोग अरुण शाह जी को विजय बनाने के लिए। तो आप लोगों से हम उम्मीद करके जाए ना कि यहाँ से पूरा पंचायत से आपको मीटिंग कराइएगा, हाथ उठा करके बता कर धन्यवाद देते हैं। तो देखिए यही अरुण शाह जी है,
जिनको विजय के माला पहनवा देंगे। तो आपने सुना तेजस्वी यादव क्या भाषण दे रहे हैं, चुपचाप लालटेन छाप और भीड़ जो आई है उसका भी समर्थन मिल रहा है। अब देखिए बड़ी चुनौती ये होगी, देखना ये होगा कि जो भीड़ है क्या वो वोट में तब्दील हो पाती है, क्योंकि काफ़ी सारे वादे तो किए जाते हैं, काफ़ी सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन अंतोगत्वा अब देखना ये होगा कि जनता अपना जनमत किसे देती है। 30 अक्टूबर को मतदान होना है, ऐसे में अब एनडीए नेताओं ने भी दमखम झोंकना अपना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सभा तो कर ली है, अब देखना यह होगा कि क्या कुछ फैसला जो है वो जनता सुनाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।